इन्हें तो हीरन चुरा के ले जाने की जरूरत की थी। मैनू माफ कर दो फौस, मैनू लालच ने अन्या कर दिता सी, हुण मैं चोरी कभी नहीं करांगा। बॉस, काली बॉस, ताड़े हुकम के बावजूद सरकारी हस्पताल दी लेडी डॉक्टर ने पोस्टमार्टम दी रिपोर्ट बदलने का इनकार कर देता है। रिपोर्ट ओही बनेगी जो सच है। मैं खुदा नु हाजिर नादिर जान के जो कुछ कमांगा सच कमांगा, ते सच एवे के कत्ल मैं कीता, पर रिपोर्ट ही बनेगी के कत्ल मैं नहीं कीता। एस तू अगे ना मैं कुछ कहना है ते ना तैनू कहने की इजाजत है। जी फरमाओ। बानो अहमद मेरा नाम है, मैं डॉक्टर हूँ, शोबे पोस्टमार्टम नाल मेरा ताल्लुक है। तशरीफ रखो डॉक्टर साहब, मैं की खिदमत कर सकता हूँ? एक बदमाश ने मैंने थ्रेट किया है कि मैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदल दिया। ओदी ऐसी दी तैसी, कौन है वो बदमाश, ओदा नाम दसो। जे ओदी बदमाशी ला के ओदे हाथ ना फड़ाई ते इंस्पेक्टर सुल्तान ना नहीं मेरा। ओदा नाम है काली। काली जी? काली, मैनू ओदी धमकी की कोई परवाह नहीं, रिपोर्ट ओही बनेगी जो सच है जो हकीकत है। इस सिलसिले च तुसी साडे कोलों की चाहते हो? तुसी ओदे खिलाफ रिपोर्ट लिखो, ओनू गिरफ्तार करो। बीबी तुसी मेरा मशवरा मनो ते रिपोर्ट शिपोर्ट भुल के जो काली कहंदा है ओ मन लो। जी ओ बड़ा खतरनाक आदमी है, तुसी किसे मुसीबत फस सकते हो। तुसी मेरी फिक्र छोड़ो थारेदार साहब, रिपोर्ट लिखो। मैं रिपोर्ट किमें लिख सकना? जे ताड़े हाथ इन्नी कमजोर ने कि सच नहीं लिख सकते ते इधर फड़ाओ कागज, मैं आप लिखनी हूं। हेलो। बिगड़िया तिगड़िया दा डंडा पी, काली बोल रहा वा डॉक्टर। मैं तेनू
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदलन लई की असी तू थाने जाके केड़ी रिपोर्ट लिख दीती है अपने समीर की रिपोर्ट काली तेरे समीर को बहुत ताकतवर है डॉक्टर हली भी वे लई मेरे हुक्म नु मन के अपने समीर नु माफ थाने च रिपोर्ट वापस ले ले पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ओ बना जिदे ते काली दी मंजूरी दी तोर लग सके मैं डरनी है रब दी जात को लो हुकम मननी अपने जमीर दा रिपोर्ट तो ही बढ़ेगी जेड़ी मैं रिपोर्ट जेड़ी भी पड़े तेरे को सोचन ते फैसला करन लई सिर्फ 3 घंटे ने उस तो बाद मेरी ते तेरी एक मुलाकात फिर होवेगी ते बड़ी पूरी होवेगी शट अप किधर टेलीफोन सी बाजी एक बदमाश था ओ कौन है बेटी काली चांद आए वे डैडी के मैं इंसानियत दा गला वट के जुल्म दे सामने अपना मत्था टेक देवा जेड़ा के नहीं हो सकता घंटे पूरे हो गए ने तेरे दिन भी पूरे हो गए ने बदमाशा याद रख मैं रिपोर्ट ना बदलिए ना बदलांगी काली दे खिलाफ एहो जी फैसले करन दी सजा जानी है मौत जिंदगी बदनामी ते जिल्लत ते गंद नाल भरी हुई जिंदगी तू हमेशा पोस्टमार्टम बंद कमरे च कीता पर आज काली तेरा पोस्टमार्टम सरेआम करेगा ए ते कपड़े ला दे ओए जी, मेरी बहन छोड़ दो बगैर तो मेरी धी नु छोड़ दे बदमाशो छोड़ दे मेरी धी नु बदमाशो ओ खुदा दे वास्ते मेरी धी नु छोड़ दे ओ छोड़ दे मेरी धी नु छोड़ दे बदमाशो जी नहीं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देख के कोई काली दे हुकुम जो मनन तू इनकार नहीं करेगा है कोई माई दलाल जेड़ा तेरा नंगा जिस्म ढक सके Thank you.
इंसाफ भी आ ते हिसाब भी, इंसान भी आ ते हैवान ते जुलम दा जवाब भी। कोई भी इनू हाथ नहीं लाएगा। शेर के हाथ बाबर शेर ही हाथ पाएगा। बिगड़िया तिगड़िया का डंडा भी साहब तुसी अरेस्ट हिम। ए बदमाश कातल दो इंसान दा ते एक औरत दे तकद्दस दा। मैं तेरा भी कातिल बनना है। ए शहर झटके नसी ना बड़ी छेती काली दी दूसरी मुलाकात तेरे नाल होवेगी, ते जरूर होवेगी। तेरे नाल मुलाकात जरूर होवेगी लेकिन कोर्ट च। मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। जनाबे वाला, कटहरे में खड़ा ये शख्स जुर्म की दुनिया में काली के नाम से मशहूर है। कानून की किताबों में इसके जुर्म हैं, लेकिन ऐसा कोई सबूत नहीं जनाबे वाला कि वो जुर्म इसने किए हैं। ये मुजरिम है और कोई भी मुजरिम कहकर इसके खिलाफ गवाही देने वाला नहीं। ये शख्स अपनी बर्बरियत और दहशत का मुजाहरा करता है, लेकिन कोई भी यानी शाहिद नहीं जो इस वक्त अदालत में आने को तैयार हो जिस जुर्म में यह शख्स इस वक्त कतार में खड़ा है। इस जुर्म का भी कोई गवाह कोई यानी शाहिद नहीं है। और गवाह कैसे हो सकता है जनाबे वाला, काली ने कोई जुर्म किया ही नहीं। काली को जिस वक्त गिरफ्तार किया गया वो तो उस वक्त उमरा करके वापस आ रहा था। इसका कसूर सिर्फ यह है कि यह उस जगह यतीम बच्चों में कपड़े तकसीम करने के लिए रुक गया।
जहां मोहतरमा लेडी डॉक्टर अपने आशना के साथ रंग रलियां मना रही थी। मोहतरमा के बाप और भाई ने इनके आशना को मारना चाहा, आशना ने उल्टा उन्हें मार डाला और फरार हो गया। मोहतरमा ने अपने आशना को बचाने के लिए यह कत्ल काली पर डाल दिया। शायद इनको पता था कि काली नहायत सीधा साधा और शरीफ आदमी है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि किसी मुजरिम पर जुर्म साबित करने के लिए गवाह और ऐनी शाहिद की जरूरत होती है, और वो इन्हें ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। मिल सकता है वकील साहब, इसलिए कि इस केस का ऐनी शाहिद भी मैं हूं और गवाह भी। कानून तो यह है कि इंसाफ के कुर्सी पर बैठने वाला गवाह से हकीकत सुनकर फैसला करता है, लेकिन मैंने यह हकीकत अपनी आंखों से देखी है, क्योंकि मैं यह फैसला बेहतर कर सकता हूं, लेकिन कानून मुझे अपनी ही गवाही पर फैसला देने का इख्तियार नहीं देता। लिहाजा मैं इस केस से दस्तबरदार होकर यह केस किसी दूसरे जज के सुपुर्द करता हूं और अपना नाम बतौर ऐनी शाहिद और गवाह के दर्ज करता हूं। मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आपका नाम? अकबर अली। आज तक कितने मुकदमों का फैसला सुनाया है? अनगिनत है, तादाद याद नहीं। आज से पहले कभी किसी मुकदमे में गवाह बनने की जरूरत पेश क्यों नहीं आई? सीधी सी बात है, कभी भी ऐसा हादसा पेश नहीं आया। कहीं यह हादसा लेडी डॉक्टर के साथ आपका कोई ऐसा रिश्ता तो नहीं बना गया जिसके लिए आप जज से गवाह बन गए? यह क्या बकवास है? तैश में ना आइए, ऐसा होता है, इश्क में बादशाह तख्त ताज छोड़ देते हैं। आपने तो सिर्फ जज की कुर्सी छोड़ी है। मैंने सिर्फ कानून के तकाजे पूरे किए हैं वकील साहब। काली को मैंने अपनी आंखों से मौके वारदात पर एक शरीफ औरत का लिबास अपने हाथों में पकड़े हुए देखा। काली चीख चीख कर कह रहा था कि देखा मेरी बात ना मानने का अंजाम, काली ही की गोलियों ने इसका भाई छीना, इसका बाप और इसका बदन ढांपने वाला लिबास भी छीन लिया। मौके वारदात पर मैं वाहिद वो शख्स था जिसने इस मजबूर औरत का बदन ढांपा और काली को थाने ले गया। जिस दिन यह वाकया हुआ वहां कितने लोग थे? सैकड़ों। सैकड़ों लोगों में सिर्फ एक गवाही? कहीं एक गवाह नहीं वकील साहब, आज मेरे साथ सैकड़ों गवाह है। अदालत में बैठा हुआ हर शख्स गवाही देगा कि काली कातिल है। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। मुकदमे की कार्रवाई और एक मुअज्जज गवाह के साथ बहुत सारे गवाहों के बयान सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि काली मुजरिम है और सजा का मुस्तहिक है, लिहाजा अदालत जेरे दफा 302 ताजीरात पाकिस्तान इसे सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। ओए, वो आ गई जे। वाह वाह, की बदन है। हाय, लगदा रब ने कल्या बैठ के बनाया है। सदके जावा काली दे जिन्हें दीदार करा दिते ने। बानू चाचा जी, चाचा जी। बानो चुप कर जा पुत्र। सानू जहाज दी टिकट नहीं सन मिल सकियां पुत्र, इसलिए इसी वक्त ते नहीं पहुंच सके। भाईजान करामत ते पुत्र मुराद दे कतल दा बड़ा ही अफसोस होया है। मैं ते कली रह गई है चाचा जी। बानो, रब दे कमज कौन दखल दे सकता बेटा? सानू
हर हाल से चौदह शुक्र अदा करना चाहिए पुत्र। सबर कर मेरा पुत्र। पुत्र ऐ तेरे प्यो की इमानत है, एनु सांभ ले। ऐ मंगनी दी अंगूठी है जिड़ी तेरा प्यो साढ़े पुत्र नु पा गया सी। तुसी अंगूठी वापस क्यों कर रहे हो? कहंदे हैं दिल ते बड़ा कम दा पुत्र, पर की करिए आसफ नहीं मानता। वो कहंदा है मैं उस कुड़ी नाल कदी व्याह नहीं करांगा जिदे जिस्म सारे शहर दी अखां ने वेख्या होवे। असी तो तैनू हुण वी इस वेले व्याह नू तैयार हां पुत्र, पर पुत्र दे फैसले दे सामने सिर नहीं झुक सकदे। अच्छा सानू इजाजत है, अपना ख्याल रखी। जेल तोड़ के फरार हो गया? ओ नो, मेरा ख्याल है तुहाड़ा फोन खराब है, इस वास्ते मैं खुद इतला देने लिए आ गया वहां। वैसे इन्नी परेशान होने वाली कोई गल नहीं, मैं तुहाड़े फ्लैट के बाहर पुलिस का पहरा बिठा दिता है। किस वास्ते? इसलिए कि काली जेल चो फरार हो चुका है, वो तुहानू नुकसान भी पहुंचा सकता है। और की नुकसान पहुंचाएगा? हुण ते कतल होण लई मेरे कोल ना कोई भरा है, ना पिओ, जीण लई ना कोई ख्वाहिश है, ना कोई तमन्ना। ऐसी कीड़ी गल है कि तुसी सारे हौसले हार बैठे हो? हौसले नहीं, मेरी जिंदगी दी हर चीज हार गई है। भरा ते पिओ दा रिश्ता मौत ने तोड़िया सी, मेरे रिश्तेदारां ने मेरी जिंदगी हर रिश्ता तोड़ लिता। जिस कर सुहागन बन के जाना सी उन्होंने भी ठुकरा दिता है। घरों बाहर निकल लिया तो जमाना नहीं जीन देता, घर बैठ लिया तो दुख नहीं जीन देते। जज साहब मैं एडा बैड़ा काम तो नहीं सी कीता जिदी एडी वड्डी सजा मिली है। जीन ले कोई सहारा भी बाकी नहीं रहा, जो खुदकुशी हराम ना होती तो हूं तक जिंदा भी ना रहती। जे तुहाडे वर्गी बहादुर लड़की नूं सहारे की जरूरत है तो तुहाडा सहारा मैं बनांगा। जिस जमाने ने तुहानूं ठुकराया है उस जमाने के सामने मैं तुहाडा शादी करांगा। Thank you.
मजा पाइए, नचिए गाइए, रल के खुशी मनाइए। भंगड़ा पाइए, नचिए गाइए, रल के खुशी मनाइए। बुहट बरात आई जे, खुशियां दी रात आई जे, घर च सवाद आई जे। आओ नच लैनी, बादे मौका आया बने अभी सडलाला। सदियां दे बादे मौका आया बने अभी सडलाला। साड़ी किसे ने सुननी नहीं सी जद तक ए सी गवारा। हुण साडी वार आएगी, कोई मुटियार आएगी, डोली च सवार आएगी। नच लैनी, नच लैनी।
नो ए तुसी की करदे फिरदे हो पाबी जी एटी हैरान हुंदी केड़ी गल है ए सब कुछ करना मेरा फर्ज है पर ए फर्ज अदा करन लई तो सुलेमान तनखा लेंदा है सुलेमान दा फर्ज ओतो तक सी जदों तक एस कारी च मैं नहीं सी मैनू ते इंज लगदा है साडे घर पाबी ने मां आ गई है वी आर लकी पाबी अस्सलाम वालेकुम असी तैयार हो के आ गए हां नाश्ता किथे वे जनाब जज साहब नाश्ता रेडी है ओ भी साडी पाबी ते प्यारे प्यारे हथां नाल बणया होया गुड वेरी गुड हाली एना हथां नू तकलीफ ना दियो पाबी जी हाली ते एना हथां दी मेहंदी भी नहीं लथी तुसी मेरे हथां दी मेहंदी वेखी है मेरे दिल ते अपने प्यार दा चढ़िया है रंग नहीं वेख्या जेड़ा मेहंदी कोलो बहुत गुड़ है वाह वाह एहो जी पाबी लभ के तुसी लेट ब्याह करन दी सारी कसर पूरी कर दीती है भाईजान ना 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 हाली फैमिली दा एक मेंबर नहीं आया अनवर किथे वे ओनू तो भूल जाओ पाबी जान क्यों एस क्यों दा जवाब भाई जान देंगे छिना दे लाड प्यार ने ओनू चौड़ चुपट कर देता है क्यों जी छोटा भरा है बेगम एह तो ओदे खेडन खान पीन ते सौन दे दिन ने जी नहीं हुन ऐसा नहीं होएगा सौन दे वेले सौना पेगा खेडन दे वेले खेडना पेगा ते नाश्ता करन दे वेले नाश्ता करना पेगा करेक्ट वेरी गुड अनवर अनवर कौन है पाबी केड़ी पाबी अच्छा हुन मैं केड़ी पाबी होगी कल तक ते कहना से कि मैं अपनी मां हुन वेखी है चल चल सीधी तरह उठ नहीं ते मेरे कोल होर बड़े तरीके ने उठान दे एक तेज कर दे सारे तरीके मेरे ते आके मुकदे ने पाबी प्लीज जाओ मेनू सौण दियो हाली हुनी ते मीठी नींदर ने स्टार्ट लिया ऐ ते फिर नहीं होएगा देवर जी की है कौन है की होया कुछ नहीं होया चलो उठो नाश्ता तैयार है नाश्ता करो चलो उठो नहीं करना नाश्ता नहीं करना नहीं चल उठ नहीं करना उठो नाश्ता तैयार है चल चल फौरन जल्दी आज के बाद जे तू सवेरे उठ के सब नाल नाश्ता ना कीता ते फिर फरिश्ते ठंडे ठंडे पानी नाल जनाब नु जगाया जाए ओह बेगम ए ते किसे नु जगाण दा बड़ा जालिमाना तरीका है आज तो बाद ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋਗੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਨਾਬ ਇਹ 10 ਨੋਟੇ ਤੇ ਤੇਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਇਹ ਕੀ ਇਨਾਮ ਅਨਵਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਗਾਣਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈਜਨ ਨੂੰ ਲਾਜਵਾਬ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਏਸੀਆਈ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ਇਹ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਟ ਅਪ सॉरी पाबी दरअसल मैनू जरा जल्दी है मैं ते सिर्फ तोड़ी वजह नाल ही रुक गया सा नहीं ते मैं बगैर नाश्ते ही निकल जाना सी की गल है अस्कर कोई एमरजेंसी है जी भाईजान मुखबिर दी तलाए रेट करनी है किथे एक लोहार है सूबा जड़ा नाजायज असला बना के तकरीब कारा अगे बेचता है पता लगे या सबूत भी मिले तानू ते पता ही है भाईजान मैं बगैर सबूत दे मुजरिम नू कदी भी हाथ नहीं पाया शाबाश वेरी गुड असगर वैसे मुजरिम नू कानून कोल बच के जाना नहीं चाहिए भाईजान जे वड्डे अपराध दी अदालत दे कटेरे जाके कोई भी मुजरिम सजा तो नहीं बच सकया ते फिर छोटे अपराध दी हथकड़ियां तो किस तरह बच सकता है सुबह साहब पुलिस आ गई है ओ पुलिस दी है सीधी तैसी तुसी माल ले जाण वाली करो ए ओ
सुबिया हुण तेरी खेड मुक गई है। खेड तो हुण शुरू हुई है इंस्पेक्टर साहब। चांदा ते पुलिस मुकाबले च गोली तेरे सीने तो पार कर देंदा। फिर जिंदा क्यों छड़े? मार गोली। तैनू गोली मार दित्ती ते तेरे साथियों नू जिंदगी मिल जाएगी। मैं तेरी जबान चो पूरे क्रोध ना पते पकवाने ने अरेस्ट हिम। इंस्पेक्टर जान तो पहले मैं अपनी बेटी नू मिलना चाहना। ओके चलो। मेरा बच्चा। बेटा मैं बड़ी छेती वापस आ जाऊंगा। नहीं 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 बेटा नहीं। रोना नहीं मेरा प्यारा बच्चा। अबू रोना नहीं। एले एक कुछ पैसे रख ले ते सामने होटल तो जाके खाना खा लिया करी। मेरा प्यारा बच्चा। बेटा तू मेरे अबू ने तोड़े प्राण पाले तो लोगों ने मनु दसे कि तुसी मेरे अबू छुड़ा सकते हो। हाँ हाँ बेटे जरूर छुड़ाओगे तेरे अबू नु। और भी कोई तेरे नाले? मेरा अबू तो सुहास तो नहीं है तो कोई नहीं। मैं तोड़े के हाथ छोड़नी है साहब जी तोड़े बच्चे जी मेरे अबू छुड़ा दो। ओ नहीं नहीं बेटे नहीं नहीं ऐसा नहीं रह जाओ। ओ मेरा बेटा हो तेरे अबू नु जरूर छुड़ाओगे बेटा जरूर छुड़ाओगे। तेनू दुनिया की कोई ताकत कानून दे शिकंजे तो नहीं बचा सकती। सुबह तेरे वर्गे बदकार नू ऐसी इबरतनाक सजा देंगा जेड़ी तेनू जिंदगी ते मौत दे विचकार लटकाए रखेगी। ना जीन देवेगी ना मरन देवेगी। ना इंस्पेक्टर ना मैनू सजा तो ना डरा। तेरा कानून फांसी दे फंदे तो वड्डी सजा तेने ना दे सकता। फांसी दा फंदा सिर्फ कातलां लई हुंदा है पर दो ते कातिल बनाण वाली मशीन है तेरी सजा है ते तो भी वड्डी होनी चाहिदी है। कह चुका सजा कोई भी होवे सूबे नू कोई परवाह नहीं। तेनू ते इहदी भी कोई परवाह नहीं के तू जड़ा नाजायज असला बनाना है ओ किसे मासूम ते बेगुनाह इंसान दी जिंदगी खोंदा है ते मुल्क के जुर्म नु ताकतवर बनांदा है। ओए तुसी पुलिस वाले हमेशा मुजरिम ते जुर्मी करांदे हो। कदी ए वी जानन दी कोशिश कीती है कि जुर्म होंदा क्यों है? एहो पुछण वास्ते इत्थे मैं आप आया हां। भाईजान मैं इत्थे जमानत देना आया हां। ऐ की कह रहे हो भाईजान? तुसी एक जज होके एक बदमाश की जमानत देन आ पायो? चाची आहो असगर जमानत का मतलब तो यही है ना कि आइंदा मुजरिम कोई जुर्म नहीं करेगा। मैं तेनू ये जमानत देना वा कि आज तो बाद सूबा कोई जुर्म नहीं करेगा। इस थाने तो बाहर जाने तो पहला मैं सुबह नाल तनहाई कुछ गल्लां करनियां चाहना वा। कानून वाले बन के अपना फर्ज पूरा करो। सजा दो मैनू हमदर्द बन के तेरी जून बदलन की कोशिश ना करो। ना करो साहब जी ना करो। कानून सिर्फ
हथकड़ियां लगा के सजा ही नहीं देनी जानता, बल्कि हथकड़ियां खोल के सजा माफ करना भी जानता है। पहला कानून दान वेख्या है, जिदी जबान इन्नी मिठी तो जिदे दिल विच एक मुजरम लई प्यार भी। सुबह तू थोड़ी देर पहले किया सी ना कि कानून जुर्म गिणवांदा है, कदी तू ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि जुर्म होंदा क्यों। मैं सिर्फ तेरे को यही पूछना चाहना वा किड़ा अच्छा इंसान जुर्म क्यों करता है। एडे प्यार नाल पूछे साहब जी, जी करदा कि सिने चीर के सब कुछ तेरे सामने रख दिया। लो ते फिर सुनो, मेरे हाथ कानून शिकन दे हाथ किस तरह बने, मेरे हाथ एक मजदूर दे हाथ सन। सकीना एक एक करन लगी से अपनी ओ जिंदगी खत्म करन लगी है। सुबह चिड़ी बोझ है तेरे लिए भी ते मेरे लिए भी। बकवास ना कर ते छट कर, मैं कहना छोड़ छट दे। मैनू मर जान दे, वैसे भी मैं और किन्ने दिन जी लवांगी। ਨੂੰ ਖੂਨ ਦਾ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇਲਾਜ ਮਹਿੰਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਹੈ। ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਦੇ, ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਸਕੀਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੈਨੂੰ ਗਵਾ ਕੇ ਮਿਲਣ। ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਪਾਂਬੜਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗਾ। ਹਾਂ ਸਕੀਨਾ, ਹਾਂ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੀ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੂੰ ਵੀ ਨਾ ਰਵੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਤੀਰ ਉਲਝੇ। ਨਾ ਤੀਰ ਉਲੇਗੀ ਤੇ ਨਾ ਤੂੰ ਮਰੇਗੀ। मैं हर आफत का मुंह मोड़ दियांगा। बड़ा ही जिद्दी है, मत्था भी लाया ही ते मौत नाल। मौत मेरे प्यार ते मेरिया दोवां तो वद ताकतवर नहीं हो सकती। तेरे इलाज लई मैं अज ही अपने सेठ नाल गल करांगा। एक बीमारी तेरी बीवी नूं है, दूसरी बीमारी तू सानू ला दिती है। रोज एडवांस रोज फरियाद, इत्थे मजदूर बढ़ के कम कर, नहीं ते कर नहीं ते छुट्टी कर। सेठ जी 10 साल दा सा ते तुहाडी फैक्ट्री च असला बढ़ा रहे हैं, मेरी वफादारियां दा कुछ ते सिला दिओ। मैं तुहाडे कोलों पीक नहीं मांग रहा, वह कर्जा मांग रहा जिहड़ा दिन रात कम करके ते ला देंगा। ओ वेलकम काली सेठ, वेलकम। किवें आयो? ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸਲਾ ਖਰੀਦਿਆ ਸੇਠ, ਉਹ ਮੁੱਕ ਗਿਆ। ਅਸਲਾ ਬੜਾ ਕਾਲੀ ਸੇਠ, ਤੁਸੀਂ ਤਸ਼ਰੀਫ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਓਏ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਦਰਾ ਜਾ। ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨਾ, ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹਰਾਮ ਦਾ ਮਾਲ ਹੈ? ਹਲਾਲ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹਰਾਮ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਬੋਨੇ ਪਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਤੈਨੂੰ। ਗੈਟ ਆਊਟ। ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਸੇਠ ਜੀ। ਤੇਰੀ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ? ਮੇਰੀ ਜੁਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਬਗਾਵਤ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੂੰ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ? ग्रीगो, जबरू, शाबू।
फड़ लो इस पागल नू, तेरी खूब मुरम्मत करो, मैं पुलिस को टेलीफोन करना वा। नहीं बनेगा, तुसी नजायज़ ले दिया सारी वारदातां एदे खाते च पा दियो। नहीं नहीं साहब, बदरे सुलम ना करना, मैं बेगुनाह हूं, मैं बेगुनाह, मेरी बीमार बीवी मेरा साथ भी तक दिए, ओदा कोई वाली वारस ने तुसी मेनू जान दियो, मेनू जान दियो, मेनू जान दियो। सर, काली सेठ ने सूबे जमानत दे दी है, इनू खोल दियो। फिलहाल तू कार जाके अपनी बीवी का इलाज करा। बड़ी 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 मेहरबानी साहब जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी। तेरे इलाज नहीं, मेरे को कितने सारे पैसे ने, कितने मुके हैं पर नोट नहीं मुके, देखते सही सकी। किथे चला गया सुप्रावा, चारी तेनू याद कर कर के किस तरह तड़फी है कि तेनू दसना मुहाल हो गया है। झूठा इल्जाम ला के मैनू पुलिस के हवाले ना करता तो शायद मेरी बीवी ना मरती। वो मर गई, वो मर गई है तो हुण जिंदा तेनू भी नहीं छटांगा। जे तू कातिल बनिया ते तेरी तीर उल जाएगी, छड़ देनू, मैं कहना छड़ देनू। ते आज तू बाद तू मेरे लिए असला बनाएगा, फैक्ट्री बनाने तेन जिन्हें पैसे चाहिए ने मैं तेन देंगा। मैं फैक्ट्री बनावांगा, जिन्हें कानून की नजर च जायज ते नाजायज कम करन वाले दो नहीं एक ने, तो फिर फैक्ट्री बनेगी, जरूर पड़ेगी। सुबह जो कुछ भी है, जालिम समाज, कानून, हालात की चक्की की वजह नाले साहब बहादुर, नफरत मैनु अपने आप तो ही नहीं, इस दुनिया तो भी है, कानून तो भी है, उस गुरबत तो भी है।
जिन्हें मेरी मासूम धी के सिर तो मां का साया खो लता मां का साया खो लता साहब मां का साया खो लता तो ठीक है ना सूबे हर इंसान नू नफरत करने का हक है नफरत तो पहला नफरत तो बाद एक जज्बा होर भी है पता ही की है प्यार करने का जज्बा मोहब्बत करने का जज्बा सोचते सही तैनवी को प्यार करता है पता ही कौन है तेरी बेटी तैनू सुन के हैरत होगी कि मैनू इतने तेरी बेटी लैके आई है मैं तेरी जमानत नहीं कराई तेरी बेटी दे अथरुआ ने तेरी जमानत कराई है सूबे तिया उदो रोंदियां चंगियां लगदियां ने जदों अपने पापल का घर छड़दियां ने पर तू कहो जा पाप है तेरी नफरत तेरे गुनाह तेरे चुरमा ने हम तो तेरी तीन रोला शुरू कर देता है सूबे मेरी गल मन सूबे सब कुछ छड़ते अपनी तेरा पाप पड़ जा यार तेरी तीनू तेरी शफकत तेरी मोहब्बत तेरे प्यार की सख्त लोड़े सुबह साढ़े लिए असला नहीं बढ़ाएगा एदी सजा उन्नी देर तक तजवीज नहीं की जा सकती जिनी देर तक सूबे दी जबान इनकार दी वजह नहीं दस देती मेरे इनकार दी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरा जमीर है काली साहब तेरा जमीर जगान वाला किधरे पुलिस का खौफ ते नहीं सूबे मौत का समान बनाने वाले सूबे को खौफ तक ही कम बस सोच जुल तक ही कम नहीं करना ते नहीं करना अच्छा तेरे सोचने ते कोई पाबंदी नहीं पर मेरी सोच के खिलाफ काम करने पाबंदी जरूर है तेरी जिंदगी के कासे जिनी भी जिंदगी है उदा मालिक भी काली बिगड़िया तिगड़िया का डंडा पी मैं काली साहब मेरी गल अजे खत्म नहीं हुई याद रख जे तू साडे लई कम नहीं करेगा फिर कुछ भी नहीं करेगा पर मैं जबान खोलू तो पहला सोच राज के सोच गलिया बैठ के सोच इस काली नू सामने रख के सोच जब सोच लवे ते फिर जबान खोली मैं तेरी गल सुनागा जरूर सुनागा सुबे तेरे को सोचन ले एक हफ्ता है आठ दिन ते आठ राता उदे बाद तिगड़िया तिगड़िया का डंडा पी मैं काली चौंकी बस्ती वाले अड्डे ते तेरा इंतजार करांगा ले आसिफ छे टिकटां फर्स्ट ड्रॉ विच यानी के सब तो अगे ओके ते बाकी बुकिंग विच वेच लेना रावण को बच्ची कल मैं भी टिकटां ले आया था की कहंदे आप ही आपस च टिकटां वड्डी जान दे ओ साडियां टिकटां दा कोटा किथे आ की कहंदे आ ताजी तुसी फिकर ना करो ताडे ते ताडी ती दे दम नाल ते ऐश होए तुसी हुक्म करो किनियां टिकटां देवां ਮੇਰੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਲ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਮਿੰਟ ਮਿੰਟ ਤੇ ਐਂਟਰਟੇਨ
मतलब है कोई चा कोई पेस्ट्री कोई खाबा कोई शाबा तुसी यहां बिहारे हो की कहंदे आ तुसी फिकर ना करो तुसी हुकम करो किन्नी टिकट चाहिदी ने तानू वीक कट दियो टिकटा की कहंदे आ हेलो छे टिकटा मेनू भी चाहिदी ने बेटा जी तुसी बस दी टिकट लाओ ते उकाड़े जाके उतर जाओ इथों दी टिकटा एडी आसानी ने नहीं लभदियां कोई लाइन च लगो कोई कपड़े पड़वाओ कोई खुन्ना पड़वाओ कोई शेव करवाओ फिर जाके कितने टिकटा लभदियां की कहंदे आ टिकटा मैं भी इथे लेके जानियां ने नहीं कोई बदमाशी आ की कहंदे आ तुसी पीछे हो जाओ उस्ताद जी एदे नाल मैं गल करना की चाहिदा भी तैनू टिकटा टिकटा देओ भैया नु टिकटा बुकिंग फस जाए ते ये दंदा ना टिकटा गिने टिक 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 की होया आसिफ अनवर एना हाल वाले टिकट तो जवाब सिर्फ जबानी नहीं हाथ भी दिता है हाकियां कट लो की बात तुम्हें दी है आज ताड़ा शो जरूर होवेगा पर टिकट किसे नु नहीं मिलेगी है जी ते फिर असी चलने हम ऐसे खलोता रवि उस्ताद उस वे तुम ही बड़ी बुकिंग बुकिंग कर रहे थे किस वे बेटा जी उस वेले बस एवं मुंह ही निकल गया होना है सूफी सोफ जी लड़ाई पढ़ाई कोई चंगी गल ते नहीं ना जी उस्ताद जी एहो जे मच्छरां दी बदमाशी कढ़नी मैं खूब आ दी है तुसी पराड जाओ अटैक मारी मेनू गुर्दे दी तकलीफ हा डॉक्टर ने क्या बया आवेगा सब पट्टियां कराण हस्पताल गए ने चली किधर है नच गा ते फेर जा तेरा रवैया दसता है कि तू एक बदमाश है पर मैं कंजरी नहीं मेरे पैराई चौकुंग रवि नहीं जेड़े बदमाश की दहशत न छनकन लग पेंदे नहीं मैं एक फनकार हाँ फनकार ते कंजरी च की फर्क होंदा है आज फिर एहो साबित कर नहीं ते की करेगा तू अपनिया खूबसूरत अखां नाल एक नजर उधर ते वेख तू ना नची ते तेरे ऐस नालायक उस्ताद दे गले ते छुरी चल जाएगी जी मैं भाई मेरी जिंदगी तेरे पैरां चा पुत्र होए इन्हें नु थरका जरा मुस्कुरा
ताइया खड़े मेरी जान बचा, मथे तो वट ला, मेरे कपड़े ना पड़वा, हस के पुत्र हस के। Thank you.
ਲੈ ਬੇਟਾ ਜੀ ਗੁੱਸਾ ਥੁੱਕ ਦਿਓ ਭਾਵੇਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਥੁੱਕ ਦਿਓ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਅੱਡੀਆਂ ਨਾ ਮਾਰੋ ਇਸ ਘਰ ਚੋਂ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇਲਾਂ ਚੋਂ ਤੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਸੁਝ ਰਿਹਾ ਅੰਕਲ ਤੇ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਖੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਦਰ ਕਰਵਾਓਗੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਇਸਟੇਜ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕੀਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਹ ਫਾਨੂੰ ਕੋ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਪਾਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਇੱਥੇ ਫਨਕਾਰੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚੰਗਾ ਖੂਨ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਵੀ ਫਨਕਾਰ ਆਦਮੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਫਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਵੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਚ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਫਨ ਨੇ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਫੌਤ ਟਾਈਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਅੰਕਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ की दसा बेटा जी अजकल फन दी ते कोई कीमत ही नहीं रही ते के टोकरी होया पिया फन टींडे ते किए तो सस्ता फन विकंडिया उतो तू माउज दी मालक है जे गौनी नहीं है ते भी गौन दे थोड़े जिने छिट्टे मार दिनी है नहीं ते लंबी तान के सुती रहनी है किते ओ खुदा दा वास्ता ही इस घर दी खुशहाली दा कोई ख्याल कर कदों तक इस मकान दा किराया दिंदे रहांगे समान दिया किस्ता अदा कर दे रहा ते फिर अंकल तुसी चांदे की हो मैं चाहना भी तू गावे ते तड़ा तड़ गावे मेरे कोल विकार होवे मैं बेकार लोकां नूं थल्ले दवा मेरा भी बैंक बैलेंस होवे मैं घड़ी घड़ी बैंक वाले कोल अपना बैलेंस पूछा बाकी रही इज्जत बिस्ती वाली गल ओ ते हुंदी रहिंदी है बेटा जी बंदा अपना बचा आप करदा है इत्थे ते रलिया मिलिया ही काम चलदा है बंदा वेखण च कुछ होर हुंदा है परखण च कुछ होर हुंदा है हकीकत च कुछ होर हुंदा है हां जिंदगी तो आवाज आ रहे खुदकुशी करना चाहनी है हैं? एक पास होके नहीं टूट सकती नहीं ओ, माफी चाहना जी मैं नहीं सी पता कि तुसी है हालत विच हो जे तुसी चाहो ते मैं तुहाडी मदद कर सकना किथे जाना है तुसी ज्यादा दूर नहीं नजदीक ही है ऐस हालत विच पैदल चलना अच्छी गल नहीं आओ मैं तुहानू छड्ड देना हाँ आ जाओ आओ 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 बस बस गड्डी इत्थे रोक दियो मैं इत्थे उतरना सी तुहाडा बहुत बहुत शुक्रिया Thank you.
करे टाइगर साहब तुसी भी मिले। टाइगर उन्नी देर किसे नु नहीं मिलदा मिस रेटा, जिनी देर माल खरीदने वाले दी शराखत नहीं हो जाती। मेरे लिए की हुक्म है मेरे बंदे, मुसलसल 8 दिन तो तेरी निगरानी कर रहे सन, तेरे वालों साड़ा शक निकल गया है, हुण असी माल देने लई तैयार हां। मैं रकम लेके आई हां। फिर दिन भी तैयार है, पेमेंट। खाली है जी, बिल्कुल खाली है। ए देख हीरविन परी जाएगी। ते पेमेंट? ओ पेमेंट ओ पान इंस्पेक्टर अस कर देगा। कोशिश की थी तो गोली मार देंगा। वेरी गुड मिस शकीला। थैंक यू सर। सीआईडी इंस्पेक्टर होने नाते मैं अपना फर्ज पूरा किया। बना के उता जमीन जिंदा कीता, दूजे ने एक मुखबर कुड़ी नाल चाल चल के साडे अड्डे नु तबाह कर दिता, ते टाइगर नु गिरफ्तार कर लिता। सारा हिसाब होवेगा, सारा। काली इक बारी से काली बढ़ेगा, काली हनेरी बढ़ेगा। हेलो, मैं शकीला बोल रही हूँ। कुछ मशकूक लोग मेरे फ्लैट के चक्कर ला रहे हैं, इंज लगता है मैंने जानो मार देंगे। मैं बहुत परेशान हूँ सर, प्लीज जल्दी आ जा। परेशान होने की लोड़ नहीं, मैं हुणे आ रहा। तड़फ के मैनू अपनी बाहों च लेना साबित करता सर कि तू मेरे प्यार करता है। ऐ की मजाक है? ओए मैं ड्रामा ना कर दी, ते तू एथे नहीं सी आना। जे तू एथे ना आंदो
फिर दिन पावे मेरा होवे या हीर दा प्यार करन तो नहीं मुड़ता। तू पागल हो गई शकीला। सिर्फ पागल ही नहीं, तेरे पीछे दीवानी भी हो गई। पाले में हतर ले पौंदी भरी जवानी सी।
बेड़ा तर जाओ, साढ़े तबले चुके बाहर सुट दिते ने, भावे बाहर तबले भेज जाओ, की करते पे हो? शेख साहब मेरी गल ते सुनो। ओए कोई गल नहीं सुननी, समान फ्लैट तो बाहर सुट दिता है, चुको ते तना हो जाओ। साडा कसूर की है जी? ये शरीफा की कानूनी है, इत्थे कंजर खाना नहीं हो सकता। समान संभाल के गल कर शेख, तैनू ते इस कलोनी वालिया नू शरीफा इच ते बाजार इच बैन वालिया इच कोई फर्क नजर नहीं आता। की फर्क है? बाजार वालिया कोठा सजा के नचदिया ते गाँदिया ने, ते तू इस स्टेज सजा के नचदी ते गाँदी है। हया कर शेखा, स्टेज ते नचण वाले फनकार हुंदे ने, बदकार नहीं हुंदे। इस कुड़ी दी रगां दे शरीफ खून ही, मता मैं तुरली जी ढा लिया। पग पग ना करो पुटिया, ते कान खोल के सुन ले, इस कॉलोनी विच कोई गान बजान वाली नहीं रहेगी। ओए शेखा, ए इत्थे ही रहण के। मेरा बेटा आया जी, तुसी बिल्कुल ठीक टाइम पे आए हो, साड़ी मदद करो। कलगी वाला कुकड़ सानू वो बनाना चाह रहा है जो असी नहीं, इन्हें समझाओ। जवान कुड़ी वेख के इस अग छाल ना मार, बच्चे जा जाके पढ़ ले, तू इन्हें नहीं जानता। ये साडे नाल खेड़दा रहा है, फिट मैं इन्हें सिर्फ जानता ही नहीं बल्कि इन्हां दे फन दा कदरदान भी हां। जे इन्हां दा इन्ना ही कदरदान है, इन्हां दा सामान चुक के अपने घर ले जा। ऐ सामान इन्हां दे फ्लैट च जावेगा ते तुहाडे मोढ़ियां ते जावेगा। बेटा जी की थोड़िया की दूरी की है? वाह बेटा जी, की सुर दी सट मारी है सूर दी सट नू। लो बेटा जी, एहो जे मारो इनू कि सितार भी बज जाए ते अदाई भी मर जाए। चुको है, सामान चुक के अंदर पहुंचा दो, नहीं तो ताड़ियां बेकार लाशां नूं कारपोरेशन दे ट्रक में भी नहीं चुकनिया। चुको है, ऐदे छड़े, खबरदार जे गंदे मंदे हाथ साड़ियां अदब वालियां चीजां नूं लाए थे, पता नहीं सारा दिन कित्थे कित्थे हाथ लाउंदे रहिंदे। हिट उस दिन जिन्ना पैड़ा लगा से आज उन्ना ही चंगा लगा है। बेटा जान, इन्ना डुबो ना कि फिर निकलिया ना जाए। बाकी मेनू ते उसे दिन ही बेटा जान बहुत अच्छे लगे सर। सानू फोन आया कि इत्थे कोई झगड़ा होया। झगड़ा मुक गया इंस्पेक्टर साहब, कुछ लफंगे जे बंदे इन्हें शरीफा नूं तंग कर रहे सन, मैं मुरम्मत करके उन्हां नूं बिल्कुल सीधा कर दिता है। तू कौन है? नाम मेरा अनवर है ते मैं इंस्पेक्टर असगर दा छोटा भरा वां। ताडे नाल मिलके बड़ी खुशी हुई, मेरे लायक कोई खिदमत? नहीं कोई नहीं, हुण तुसीं जा सकदे हो। कोई चाह पानी? थैंक यू, शुक्र। छुपिया रुस्तम निकलिए। असल तारुफ तो मैं कराया ही नहीं। ओके, मैं सिर्फ इंस्पेक्टर दा प्रा नहीं, एक जज दा भी प्रावा। जज अकबर खान दा प्रा। ओ
बेटा जी फिर तो सारा कानून ही अपने घर का होया ना। जे कहो ते पार्टनरशिप च जुआ खाना खोल ली मुंह ही निकल गया। लुटी हुई इज्जत नो मेरे इंतकाम की चादर च लपेट के जज के हवाले कर दिता जाए। आ!
जाना। ऐ की किता जे भाई जान, ऐ मेरा मुजरिम नहीं, मैंने बर्बाद करने वाला काली है, काली है। नहीं! कतल किने किता है? कातिल दा निशान ए जंजीर है। ए जंजीर ते ताडे परा जा जग पर दी है। तुसी कौन हो? मैं ताडे परा दे हाथों कतल होन वाले एस परा दी भैन हां। ते ताडे परा जा जग पर नाल मेरे नाजायज तालुकात सन। मैनू मर जान दे भाभी, मैनू मर जान दे, या मेरा मेरा गल कुड़ दे। सोच के जी बेटा, जे तेरा कोई कसूर होता तो मैं तेनू आप मार देना, पर नहीं, तू ते काली दे वैर दी सूली ते चढ़ी है, जड़ी उन्हें मैनू तबाह करने लई बनाई है। मैं मुनसिफ तो मुजरिम ते बन गया, पर मैं इंसाफ जरूर करांगा। तू जी के रवेंगी ते काली मर के रवेगा। ए की हो गया? काली दे जुल्म दा सफर किथे आके मुकिया? जिथो काली दा सफर आके मुकिया उथो मेरे इंतकाम दा सफर शुरू होवेगा। बानो तू मेरे ना वादा कर के जमाने तो लैके मेरे छोटे भरावा तक साड़ी इज्जत पैर वाले टाके का किसी पता नहीं लगना चाहिए, नहीं तो मेरे छोटे भरा भी मेरी तरह मुजरम बन जान के केस करदा वड्डा मैं, इंसाफ भी मैं करूंगा, काली को इंतकाम मैं लवांगा। किधर तुर पे हो? काली दे लव नाल अपना नवा फैसला लिखन। ओ मेरी इज्जत की बर्बादी ते जशन नहीं मना सकता, बानो नहीं मना देंगा।
घुंगरू चांदी दे, तेरे गोरियां पैरां दे विच आस दे वे घुंगरू चांदी दे। मुजरिम की खातिर अपने मुजरिम निकलने की इजाजत नहीं दे सकता मिस्टर अकबर। मैं तेरे नाल वादा करना वा कि मैं खुद अपने आप कानून के हवाले कर देंगा। कानून मुजरिम जेल के सिवा किसी होर पासे टुरन की इजाजत नहीं दे सकता। Thank you.
किस जुर्म च गिरफ्तार किया है भाई जान? तू भूल गया है कि वो तेरा बड़ा भरा ही नहीं, एक जज भी है। इस वेले वो सिर्फ एक कातिल है। तेरा उन्ना नाल कोई रिश्ता नहीं? उन्ना नाल रिश्ता कारिच है। ऐथे फर्ज की अदायगी मेरी मां, ते कानून मेरा बाप है। तेना दिया नजर चो खूनी ने। ओ खूनी ने, ऐसा कोई सबूत है तेरे कोल? सबूत अदालत इश्तियांगा, तू इतों जा सकना है। मैं अपने भरा मिले बगैर नहीं जावांगा। फिलहाल मैं किसी कातिल नाल मिलन की इजाजत नहीं दे सकता। अनवर, दुनिया छाली ऐसा कोई कानून नहीं सीआईडी इंस्पेक्टर जेड़ा भरा भरा नाल मिलन तो रोक सके। रुक जानवर। भाईजान अनवर, तू इत्थे क्यों आया है? ऐ सवालात नु तोड़न, जे एक भरा गिरफ्तार कर सकता है ते दूजा छुड़वा भी सकता है। नहीं अनवर नहीं, ये सब जज्बाती गल्लां ने। असगर ने अपना फर्ज निभाया, ओदे कोल हर गल दा सबूत मौजूद है। उन्हें मैनू बिला वजह गिरफ्तार नहीं किया। लेकिन मैनू यकीन नहीं, तुसी कतल नहीं कर सकते, तुसी बेगुनाह हो। मैं तुहानू अदालत विच बेगुनाह साबित करके रवांगा, वड्डे तो वड्डा वकील करांगा। हां असगर, मैं वेख के बड़ी खुशी हुई असगर कि तू एक जिम्मेदार आफिसर है। तुहाडे लई, दुनिया लई ते कानून लई मैं बड़ा वड्डा काम किया है, पर अपनी नजर च मैं बहुत छोटा हो गया। मैनू अपने आप को नफरत हो गई है। मेरा जी करता है मैं इस्तीफा दे दिया ते अपने भरा नू बचा लवा। जो तू मैं खुश देखना चाहना है असगर, तो अपने इस कारनामे से पछिमान ना हो। क्या कर जा बेटा, इसलिए कि हूं मेरे बाद इस घर का वड़ा तू है। जाके अपनी भाभी ने तसली दे, अपने छोटे भरा अनवर समझा, ते अपनी भैन के अथरू पोछ। अथरू पहुंच के एक नजर इधर भी वेख पाबी, सी आई डी इंस्पेक्टर असगर साहब आए ने। इन्होंने कोई मामूली काम नहीं किया, एक जज नू मुजरिम बना के ओदे हथा नू हथकड़ियां ला के अपनी तरक्की दियां रावां खोलियां ने। मैं सिर्फ अपना फर्ज अदा किया अनवर। याद रख, जे मेरे भरा नू कोई सजा सुनाई गई ते एक वक्त च दो सजावां ते अमल होवेगा। जेड़ी सजा मेरा भरा जेल दे अंदर भुगतेगा, तू वो सजा जेल दे बाहर भुगतेगा। सजा ते भुगती रहे यार, इंज लगता है जिवें मैं अपने भरा दे हथां नू नहीं अपने दिल नू हथकड़ियां ला के कैद कर आया वहां। तोड़े ते मेरे च फर्क सिर्फ इन्ना है कि इस दुख ते तोड़े अथरू अखां तो पार डिगते पए ने, ते मेरे अथरू मेरे अंदर ही डिग रहे ने। एक होर भी फर्क है इंस्पेक्टर, के तेरिया रगां विच खून भी साढ़े बाप का नहीं। अनवर, तू जज साहब का सका प्रा नहीं। ए की कह रहे अनवर? ए सच्चे पाबी,
ऐ लावारिस सी, गंदी नाली दा कीड़ा सी, मेरे प्राण ने तरस खाके तैनु सीने नाल लाया, तैनु मकाम दिता, तालीम दिती, इज्जत दिती, अपने प्यू दा ना दिता, पर एने इन्हें अपनी मौसी नू हथकड़ियां ला के ए साबित कर दिता है कि यह किसी कटिया खून की औलाद है, किसी गुनाह की पैदावार है। अनवर! आज तक उन्होंने एनू मतरिया नहीं समझिया, तू कौन है गल करन वाला? माफी मांग, ए तेरा वड्डा भरा है। मैं देखो लो अपने प्राते होन वाली जाति का हिसाब ते मांग सकना, माफी नहीं। एते वालों मैं माफी मंगनी असगर, बच्चे तू मैनु माफ कर दे। नहीं भाभी, नहीं, मैं ते आप तेरा मुजरिम हां, पर मैं की करा, मैनू ते फर्ज निभा का सबक भी भाईजान ने दिता है, जे मैं सब कुछ ना करता तो फिर अपने फर्ज का ही नहीं भाईजान की तरबियत ख्वाहिशों का भी मुजरिम बन जाता। तू अपना फर्ज निभाए असगर, तेनू पछमान नहीं होना चाहिए, ऐ तेरा भी जानते है कि मुजरिम कौन है। भाभी दुनिया अज तक ऐसी गोली कोई नहीं बनी जड़ी सानू तुहाडे कोलों जुदा कर सके। बिगड़िया तिगड़िया दा डंडा पी मैं काली कैप्टन, मैं फैसला कीता है जदों तक जज अकबर नू तुहाडे झूठे कतल की सजाए मौत नहीं हो जाती, तुसी चारो डोंगी बस्ती वाले अड्डे ते रहोगे। अदालत इंसाफ जरूर करेगी बेटा जी, तू घबरा ना, नादिया जो कहती है वो मान ले। जे नहीं मनेगा ते अंकल जी मैं भी आज स्टेज ते नहीं जावांगी। जिद ना कर नादिया। अनवर पुत्र क्यों मैनू गंदे अंडे ते टमाटर पाउण वालियां गल्लां करना है? नादिया जी अज स्टेज ते ना ना नची ते प्रोग्राम कराउण वालियां ने मैनू थां दस्यों बगैर ओ चित्र फेरने ने अगे दी जिद्दी तबीयत दी वजह करके बड़ी वारी बेइज्जती होई है। अज मेरी इज्जत तेरे हाथ च पुत्रा, हाथ जरा कुट के रखी, मन जा अनवर मन जा, पिस्ती ना करा पुत्रा, हो पिस्ती ना करा, पिस्ती ना करा, पिस्ती ना करा। Thank you.
मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। योर ऑनर, इस कटहरे में बड़े बड़े मुल्जम आए, लेकिन जो मुल्जम आज इस कटहरे में खड़ा है, कल तक ये खुद इस कटहरे में खड़े होने वालों की किस्मत के फैसले लिखता था। कल तक कोई नहीं जानता था कि इंसाफ की कुर्सी पर बैठने वाला ये शख्स हकीकत में कितना बेईमान, ब्लैकमेलर और अय्याश है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। बादल वकील जब तक मेरे मौके पर जुर्म साबित न कर ले, इन्हें इस पर कीचड़ उछालने का कोई हक नहीं है। कीचड़ तो उछल चुका वकील साहब। शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि मुल्जम अकबर की असलियत क्या है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं। मैं मौसम अदालत से मुल्जम की ताश्ता और इस मुकदमे की आम गवाह जमीला खानम को कटहरे में तलब करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? आप मुल्जम को कब से जानती हैं?
दो साल से। पहली मुलाकात कब और कैसे हुई? घबराइए नहीं। मैं कुछ नहीं जानती। आप खौफजदा ना हो, आपका मुहाफिज कानून है। वो दिन आज भी मुझे याद है। बहुत जोर की बारिश हो रही थी। मैं रिक्शा टैक्सी के इंतजार में खड़ी थी कि इनकी गाड़ी आकर रुकी और इन्होंने मुझे कहा कि ये मुझे गाड़ी में ड्रॉप कर देंगे। ये मुझे लहजे और सूरत से बहुत रिजनेबल आदमी लगे। मैं इनकी गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी दूर जाकर इन्होंने गाड़ी एक वीरान जगह पर रोकी और जबरदस्ती करते हुए मुझे बर्बाद कर दिया। मैं इस बर्बादी पर कानून का दरवाजा खटखटाना चाहती थी कि इन्होंने मुझे धमकी दी कि इंसाफ करने वाले तो ये खुद हैं, इनके हाथ इतने लंबे हैं कि ये मुझे और मेरे भाई को कोर्ट और कचहरियों के चक्कर में उलझाकर जेल में डाल देंगे। मैं और मेरा भाई खून के घूंट पीकर रह गए। इस तरह इन्होंने हमारे घर आना जाना शुरू कर दिया। मैं इनकी हर नाजायज ख्वाहिश मानती रही। फिर आखिर मेरे भाई को पता लग गया। आखिर वो बर्दाश्त ना कर सका और उसका हाथ इनके गिरेबान तक पहुंच गया। इसकी सजा इन्होंने ये दी कि उसे मौके पर ही मार डाला, मौके पर ही कत्ल कर डाला। आप जा सकती हैं। मुझे आपसे और कुछ नहीं पूछना। अब मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि इस केस के तफ्तीशी अफसर को इस कटहरे में बुलाया जाए। आपका नाम? सीआईडी इंस्पेक्टर असगर। आप मुल्जिम को कब से जानते हैं? बचपन से। बचपन से आपने इन्हें कैसा पाया? ये किसी फरिश्ते से कम नहीं। फरिश्ते से कम नहीं थे या हैं? हे, दैट्स ऑल योर ऑनर। ये फरिश्ते अब क्यों नहीं है? आपकी तफ्तीशी रिपोर्ट क्या कहती है? वो कौन सा सबूत है जो इनको गुनाहगार साबित करता है? ये जंजीर मैंने इनको तोहफे में दी थी और यही जंजीर मुझे मौके वारदात पर मिली। क्या इस जंजीर ने आपके कान में सरगोशी की थी कि यह कत्ल इन्होंने किया है? इस जंजीर का मौके पर पाया जाना साबित करता है कि मुल्जिम वहां मौजूद था। बिल्कुल नहीं जनाबे वाला, इस जंजीर का मौके पर पाया जाना ये सब एक जाल है जो मेरे मौके को फंसाने के लिए बिछाया गया है। हकीकत कुछ यूं है कि कुछ लोग मेरे मौके को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। उन्होंने धोखे से इसे घर में बुलाया, खुद ही कत्ल किया और खुद ही ये जंजीर फेंक कर कत्ल का इल्जाम इनके सर थोप दिया। नहीं, ये सच है, अटल हकीकत है। ये कत्ल मैंने किया है, मैं कातिल हूं। मुझे कत्ल से ना कभी इनकार था, ना है, ना होगा। मैं अपने हाथों पर लगे मकतूल के खून के धब्बे कबूल करता हूं, लेकिन मैं ये कभी कबूल नहीं करूंगा कि मैंने किसी औरत की बेहुर्मती की है। मैं ये कबूल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा।
फिर वो कौन सी वजह है जिसकी खातिर आप अपना रुतबा मकाम भूलकर कातिल बन गए? वजह बताना जरूरी नहीं है वकील साहब। जरूरी है, आपको बताना होगा। आज तक कोई ऐसा कानून नहीं बना जो मुझे वो बात बताने पर मजबूर करे जो बात मैं नहीं बताना चाहता। इसके बाद मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा, अंडरस्टैंड? मुजरिम अकबर एक जज होने के नाते कानून से अच्छी तरह वाकिफ थे, लेकिन फिर भी उन्होंने एक कानूनदान के हाथों पर जुर्म की स्याही लगा दी। इनके इकरार जुर्म और मुकदमे की कार्रवाई सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि वो मुजरिम हैं। मुजरिम अकबर ने अपने होशो हवास में यह कत्ल किया है, लिहाजा अदालत जेरे दफा 302 ताजीरात पाकिस्तान सजाए मौत का हुक्म सुनाती है। तेरिया अखां दे अथरू मैनू चंगे नहीं लगे असर, मैनू तेरे ते फखर है, तेरे फर्ज की अदायगी ने मेरी नजर तेरा मकाम और बुलंद कर देता है। पर मैं भाभी भैन ते भरा दी नजर गिर गया वा, सब मेरे को नफरत करते ने, सब समझते ने कि तुहानू इत्थे तिकर मैं पहुंचाया। नहीं नहीं कोई ऐसी गल नहीं, मैं उन्होंने समझा देंगा सना का प्या कर दियो। फरजाना फरजाना सुलेमान। जी बेगम साहबा। तू इतने ठहर, मैं फरजाना नू वेख के आनी है। जल्दी आना बेगम साहबा, मैं सवेर का फाके है, मैं तो नाश्ता भी नहीं किया। फरजाना सवाल दे कोई जवाब, मुजरिम किथे वे साहब? इत्थे जड़ा मुजरिम सी उन्हें जुर्म करने छड़ देते ने। साहब जी बाहर आ जाओ।
मैनू जुर्म तो तौबा कराने वाला आप मुजरिम बन गए, कुछ समझ नहीं आई साहब जी। मेरी बहन, मेरा रुतबा, मेरी इज्जत, मेरा नाम, सब कुछ करी ने खो लेता है सूबे। मैं मुजरम बन के उस मुजरम नु मुकाना चाहना वा, तू मेरी की मदद कर सकना है? अपनी जान भी दे सकना साहब जी? मैनू काली दी जान चाहिए। मिल जाएगी। तू कौन है? मैं सुबह दी बेटी हूँ। सुबह किथे वे? पता नहीं। जैसा बताया सन? पता नहीं। कुड़ी काफी चला के एनू चक्कर ते के पूछना पवेगा। बेटे, मैनू इत्थे जस साहब ने बुलाया ते मैं उन्हां दी मदद करना चाहनी हां। सच? तानू जा जंगल ने बुलाया? हां बेटे। दसना ना, वो काली दे पीछे गए ने। काली किथे वे? पता नहीं। सरा सोच, शैतान काली दा कार याडा ज्यादा जावे, जे सब दी जिंदगी खतरे चे, ते मैं उन्हां दी मदद करना चाहनी आ। टॉम की बस्ती आले अड्डी ते तेरा इंतजार करांगा। हां, याद आया, काली दा इक अड्डा डूंगी बस्ती दे विच वी है। डूंगी बस्ती? ¡Gracias!
दिती है गड़वी वाली है। ए अक, पूछ भी सकती बंदूक पालिया। हाय खुश की थी। चल फिर चलिए। चला। बाहर तो नहीं जानती? बिल्कुल नहीं मेरी जान। मेरी जान नहीं, तेरी मौत। दस गाली कितने गई? बाल तू कौन है? सवाल नहीं, जवाब चाहता है। नहीं तो तेरी शारक पड़ जाएगी। दस गाली कितने गई? गाली काले पहाड़ा ले अड्डे तेरे। बस इन्हें पता करना थी। और हेलो असगर, मैं शकीला बोल रही हूँ। पता लगा जस साहब ते सूबा काली दे पीछे गए ने। काली दे पीछे जड़ी जगह गए ने? काली दड्डा काले पाड़ा चे। वेरी गुड शकीला, ठीक है। और काली दे जट साहब मेरे को नहीं बच सकते, मैं बड़ी काली दड्डे ते जाना वा। मेरा रास्ता क्यों रोकाई? हर बारी तेरी जित नहीं हो सकती असगर, एक बारी ते तू मेरे प्रा दे हथे छतकड़ियां ला लिया, पर हुन नहीं ला सकेगा। जे तू राह ना छड़ी ते कानून दी राह रोकन दे जुर्म च तैनू भी हथकड़ी ला देंगा। आज तेरे इख्तियार जो कुछ भी है उन्हू आजमा ले असगर। मैं ना तेरी राह छड़नी है, ना आप हथकड़ी लवानी है, ते ना ही भाईजान नू हथकड़ी लगन देनी है। असगर, अनवर, हट जा पापी, आज तुम्हारा चीख जिंदा रहेगा। नहीं नहीं मैं बेखबरिया नहीं, ताड़े हाथ खून च ना रंगे जान, ए दिले ते ताड़े प्रा ने अपने हाथ खून च रंगे, पर ताड़े दोवां दीआं अखां च इहदी नफरत वेख के मैं चुप नहीं रहांगी। मैं तुहानूं दस दियांगी कि ताड़ा प्रा मुजरिम क्यों बणिया, ओह काली नूं क्यों मारना चाहुंदा है। काली काली कातले फरजाना दी इज्जत दा। ऐ की कह रही है पापी? ऐ सब कुछ सुन के रोण दा वेला नहीं असगर, अपने वड़े भरा दे मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के काली नूं मुकाण दा वेला है। हाँ।
ने, ओए कौन ने? मौत दे फरिश्ते जिन्होंने तोड़िया लाशां दा पल बना के काली दी शारत तक पहुंचना है। किते वे साड़ी इज्जत दा कातल आज जो उस कमीने दे हिसाब दा दिले मौत दा देने अंजाम दा देने बालक किते वे काली किते वे शकीला हूं भी चलाओ गोलियां काली तुहाडे सामने खलोता है चलाओ गोलियां नहीं अनवर नहीं ना बंदूक का सिर चुकाई ना अपना जे मेरे मरण नाल एदी मौत तक पहुंचने का रास्ता बंद है ते चला गोली असगर गोली चला नहीं ए गोली नहीं चलाएगा इसलिए के अपने हाथी अपने प्यार दा खून नहीं करेगा बंदूका सुट के हाथ चुक लो है नहीं ते मेरे पिस्तौल दी गुस्ताख गोली एदी खोपड़ी चो पार हो जाएगी इंस्पेक्टर तू जेड़ा हिसाब लेना है ना उन पुल जा उदा खाता बंद ते मेरा खाता खोल के देख तू मेरा की हिसाब देना है मेरा एक जान पास मरे ते मैं बस्तियां उजाड़ देना वहां तू ते मेरे बड़े बंदे मारे ने असी तेन भी मार देने काली मैनू मारना है सो ओए बेवकूफो मैं ते पैदा होते ही मौत तू मार दिता सी मैनू कौन मारेगा मैनू कोई है माई दा नाम मारांगा ते मैं तुहानू पर तुहानू कलिया नहीं उस जट की जिंदगी भी खोनी है जेड़ा जिंदगी के फैसले कुर्सी ते बैठ के करता सी किते है वो बुलाओ नू इन्हें बन दियो जब तक वो तीसरा नहीं आ जाता जश्न मनाओ मेरे जान बांधो जा जश्न तेनू याद है एक बारी तू कानून ले नच के मेरे बंदियां नू बेवकूफ बनाया सी हुण एक बारी मेरे लिए भी नच मैं नहीं नचांगी तू नचेंगी जरूर नचेंगी इसलिए कहीं ना बेचारा दी जिंदगी ते मौत दा फैसला तेरे पैरां च लिखिया है जदों तक तू नचदी रहेगी उदों तक ये जिंदा रहणगे जिथे तेरे पैर रुके उठे गोलियां चलन गया नाच नहीं ते तेरी खामोशी नू इनकार समझांगा ते मेरे कानून इच इनकार दी सजा है मौत मौत
जबरू जलावा
तीसरा भी आ गया है। तीसरा ही नहीं, चौथा भी ना ले। ए ते फिर कमाल है, क्योंकि मौत भी तैयार है। अज ना सारे जुर्म का पछतावा तेरे लहू च रोड़ दियांगा, जड़े जुर्म करन ते तू मैनू मजबूर किया सी। तू मैनू इंसान तो हैवान बनाया सी, तू मैनू कानून दा मजरम बनाया सी। मेरे वर्गे बंदे दे करो खैरात ही जुर्म, जुल्म, नाइंसाफिया ते बहुत ते दिमाग और मिल भी की सकता है। तो फिर तेनू मौत मेरे को मिलेगी काली। Thank you.
निकल जाओ जज साहब, खुदा दा वास्ता जे इत्थे चले जाओ। चपड़े हाथ नहीं रंगेगा। नहीं भाईजान नहीं, ए साडा सांझा इंतकाम है, तेरे नू गोलियां भी सांझियां वजनगियां। नहीं अनवर, पहले कतल भी मैं कीते सन, तेनू भी कतल मैं करांगा। काली वक्त मेरे को इंसाफ दी कुसी को नहीं सी, अज फिर रब ने मेनू इंसाफ करन दा मौका दिता है, ते मैं तेरी मौत इंसाफ कलम नाल नहीं इस बंदूक की गोली नाल करांगा। तिगड़िया तिगड़िया का डंडा पी मैं काली You are under arrest, Mr. Akbar. Asghar! नहीं अनवर, मैंनू ये देते फखर है, इन्हें एक मुजरम नू गिरफ्तार करके कानून दा तकाजा पूरा किया है।